हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से। मैं हूँ विश्व। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि गूगल स्प्रेडशीट में कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट यानी कि CRM रिपोर्ट कैसे बनाते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल नॉलेज नहीं है गूगल स्प्रेडशीट की, अगर आप बहुत ज़्यादा एडिटिंग नहीं भी जानते हैं, तो भी आप बना सकते हैं और एकदम प्रोफेशनल बना सकते हैं, और बहुत ज़्यादा टाइम भी इसमें नहीं लगना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, लेफ्ट साइड में यहाँ देखिए, ये गूगल स्प्रेडशीट का आइकन आपको यहाँ पे मिलता है हरे कलर का। इस पे क्लिक कर दीजिए तो कुछ ऐसा पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। एक बार ध्यान रखिएगा कि आपका जो कंप्यूटर है वो इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए। उसके बाद राइट साइड में जाइए और यहाँ पर आपको टेम्पलेट गैलरी का ये देखिए ऑप्शन मिलता है। इसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करिए तो आपके सामने बहुत सारे अलग अलग तरीके के टेम्पलेट आ जाएंगे। राइट साइड से यहाँ नीचे की तरफ स्क्रॉल करिए और यहाँ पर देखिए, ये है CRM रिपोर्ट का टेम्पलेट, ठीक है। इस पर क्लिक कर दीजिए तो ये गूगल स्प्रेडशीट के पेज पर अभी आपके सामने आ जाएगा। ये देखिए, ये आ चुका है। अब इसको आप अपने तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं, जो जो भी आप इसमें कस्टमाइज करना चाहें, मतलब जो जो भी चीज़ें डिटेल वगैरह चेंज करना चाहें। जैसे ही देखिए, ये डैशबोर्ड है इसका, ठीक है। ये डैशबोर्ड है, ये पीपल की डिटेल है, ये कंपनीज की डिटेल है, ये अपॉर्चुनिटीज की। अब आपको क्या करना है, सिर्फ अपनी डिटेल्स यहाँ पर चेंज करते जाना है। जो जो भी चीज़ आप यहाँ पे चेंज करना चाहें, वो सारी डिटेल जब आप चेंज कर लेंगे, तो आपकी ये कस्टमर रिलेशनशिप रिपोर्ट यानी कि CRM रिपोर्ट जो है वो तैयार हो जाएगी।